कि आप स्टेज पे तशरीफ लाकर अपनी तकरीर से मजलिस की चहल पहल को दोबारा करें। नोनो मोहम्मद हुसैन बरादर फिर तकरीर के लिए तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद की मोहब्बत की महब की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत की महब की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनत आजाद होने की, खुदा की दामन तौहीद में आबाद होने की। बरादर मोहम्मद हुसैन तस्लीम करेंगे और अपनी तकरीर से मजलिस को, मजलिस की रौनक को दोबारा करेंगे। أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا إلى رحمة للعالمين صدر مجلس صدر محفل نائب صدر خزائنية مدرسة إثناء شيخ كارجل حجة الإسلام والمسلمين أقا سيد جمال الدين نائب إمام الجمعة والجماعة حجة الإسلام والمسلمين أقا الشيخ حسين مقدس सालात एजाम उलमाए किराम बुजुर्गों जवानों और मेरे प्यारे भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खुशआदत मौके पर सबसे पहले मैं इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ हुज़ूर की अमीर की हराई से मुबारकबाद पेश करने के बाद नाइब इमाम मुज्तहिदीन बिलखुसूस रहबर इंकलाब हज़रत आयतुल्लाह सैयद अल खामनाई और मराजा तक़लीद हज़रत आयतुल्लाह सैयद अल सिस्तानी को दिल का अमीर की हराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज दो बड़े ईद 17 रबीउल अव्वल को और 11 फरवरी को कल यानी जमहूरी इस्लामी ईरान में इंकलाब इस्लामी बर्पा होने की दिन के मौके पर मैं आप लोगों को दिल के अमीर की हराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूं तो हम सब लोगों को बखूबी मालूम है कि आज हम यहाँ किस लिए जमा हुए। आज से 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पूरी तरह जाहिलियत के अंधेरे में डूब चुकी थी। इस जाहिलियत को दूर करने के लिए खुदावंद ताला ने एक ऐसी शम्म जलाई। इस शम्म को दुनिया में आने से पहले कुछ मुनाफिकत लोगों ने इस शम्म को बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनके हर काम हर मंसूबे नाकाम होते आए। जब ये शम्मा जब ये नूर दुनिया में आए तो उसके बाद इस नूर के खिलाफ दुनिया में के कोने कोने में इस नूर के खिलाफ जगह जगह इस नूर के खिलाफ मजलिस बर्पा करने लगे। लेकिन जिस नूर का हिफ्ज अल्लाह करे उससे बुझा सकता है कौन? आज के दिन 17 रबीउल अव्वल को बेकसूर के बेबस गरीबों की हामी यतीमों की वाली खत्मुल अंबिया रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम विलादत हुई। उस दौर में यौम विलादत हुई जिस दौर में शराब खानी जिना आम रूस पर थी। हुक्म इलाही पूरी तरह पामाल हो चुकी थी। उस हुक्म इलाही को फिर से एक बार राह लोगों को राह रास्त बनाने के लिए खुदा ने अपने हबीब को इस दुनिया में
ये हमारे लिए बिल्कुल बदअखलाकी और हमारे लिए ये काम हम मुसलमान होने के नाते शरीयत मोहम्मद पर चलने वालों के लिए काम नजायज और इनके खिलाफ हमें दिन ब दिन हमें अपने ईमान को पुख्ता करने की जरूरत है। जब आपके मौजूद हुई दो माह कबल पहले आपके वालिद का हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, वो मुकाम मदीना में हो गया। आपके वालिद के इंतकाल का आपके माँ को इतना सदमा पहुंचा कि आपके माँ के दूध मुबारक खुश्क हुए, फिर आपको हजरत हलीमा ने दूध पिलाई, फिर आपके परवरिश हजरत अबू तालिब ने की। जब आपकी 6 साल की उम्र हुई थी तो आपकी वालिदा हजरत आमिया का भी इंतकाल हुआ, फिर जब आपकी 8 साल की उम्र थी तो आपके दादा हजरत अबू तालिब का भी दुनिया से इंतकाल हुआ।